सभी को नमस्कार। डाउन द मेमोरी लेन प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे बीच हैं इंस्पेक्टर बाबूलाल, जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट सिक्योरिटी में कार्यरत हैं और जिन्होंने सन 1982 में एज अ कॉन्स्टेबल ज्वाइन किया। 1997 में वह सब इंस्पेक्टर बने और सन 2016 में वह इंस्पेक्टर प्रमोट हुए हैं। इन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स और यूनिट्स में अपनी सेवाएँ दी और ये इस महीने रिटायर होने जा रहे हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। पहला प्रश्न हम आपसे यह रखना चाहेंगे कि आपका जो इतना लंबा समय आपने यह दिल्ली पुलिस में दिया है, इसको आप एक शब्द या एक वाक्य में किस तरह से वर्णन करना चाहेंगे? मेरा दिल्ली पुलिस परिवार का 41 साल का जो भी समय रहा है मेरी ड्यूटी का, वो बहुत ही शानदार रहा है। सर, आप हमें यह बताएं कि समय के साथ ये दिल्ली पुलिस की व्यवस्था, दिल्ली पुलिस किस तरह से बदली है, कितना चेंज आया है? इसमें बहुत चेंज आया है। पहले दिल्ली पुलिस के पास में इतने साधन नहीं थे, स्टाफ की कमी थी। दिल्ली की जो भौगोलिक स्थिति है वो डिफरेंट टाइप की है। दिल्ली थी चारों तरफ से यूपी हरियाणा से कवर्ड है और यहाँ पर लोगों के काफ़ी मूवमेंट है आने जाने में, तो पहले की काफ़ी चुनौतियाँ थी। आज की डेट में दिल्ली पुलिस से काफ़ी हाईटेक हो चुकी है। दिल्ली पुलिस के पास में साधन बहुत है, इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड सब साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन है, तो दिल्ली पुलिस आज की डेट में बहुत ही अच्छा काम कर रही है। ऐसा नहीं कि पहले नहीं करती थी, पहले भी अच्छा काम कर रही थी, लेकिन पहले क्रिमिनल को ढूंढने में, क्राइम को रोकने में ये काफ़ी चुनौतीपूर्ण था। आज की डेट में बहुत अच्छा है, साधन भी अच्छे हैं और हमारे ऑफिसर्स भी काफ़ी एक्टिव है, स्टाफ भी एक्टिव है, स्टाफ भी पढ़ा लिखा है, तो आज की डेट में दिल्ली पुलिस काफ़ी शानदार है। सर, अगला सवाल हम आपसे यह रखना चाहेंगे कि आपके इस करियर के दौरान सबसे चुनौतीपूर्ण क्षण वो कौन सा रहा? मेरा दिल्ली पुलिस से पूरे पीरियड का जो भी चुनौतीपूर्ण पीरियड रहा, मैं एज ए सिपाही मैंने ज्वाइन किया था, घर से बाहर रहे थे हम, और उसके बाद में जब मैं सब इंस्पेक्टर सेलेक्ट हुआ तो मोतीनगर थाने में मेरी पोस्टिंग थी। पोस्टिंग के दौरान मुझे रोबरी और मर्डर और इससे रिलेटेड कई केसों का तफ्तीश करने का मौका मिला, और उसमें मेरे रोबरी के 5 केस थे, वो सबसे मेरे चुनौतीपूर्ण केसों में से रहे हैं। उसमें से एक केस मेरा ऐसा था रोबरी का, जो जखीरा फ्लाईओवर के पास में एक रोबरी हुई थी, तो हमने रोबरी के मुलजिम को और जो टोटल जो रोब्ड अमाउंट थी उसको हमने एक ही रात में उसको केस को वर्कआउट किया। उसमें मेरे SHO और मेरे साथ जो भी स्टाफ थे उनका अच्छा सहयोग रहा, तो मेरा आज वो चुनौतीपूर्ण है और मेरा यादगार क्षण भी है। सर, जैसा कि आपने बताया कि आपने अपने जीवन के 41 साल इस महकमे को दिए हैं, हम सभी ये जानने को उत्सुक हैं कि आपने अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को किस तरह मैनेज किया। इसमें सबसे मेन बात यही रही कि मैंने मेरे परिवार को और मेरी ड्यूटी को, जहाँ भी मेरी ड्यूटी लगी वहाँ पर मैंने अच्छे से दोनों को ही टाइम दिया। एक मैंने ड्यूटी को भी इग्नोर नहीं किया और परिवार के लाइबिलिटी को भी इग्नोर नहीं किया, और घर वालों पर अपनी लाइबिलिटी नहीं छोड़ी। जो मेरा काम था मैंने करना था किया, और डिपार्टमेंट का जो भी काम मेरे को मिला वो भी मैंने अच्छे से काम किया। इसमें मेरे जो भी सीनियर उस टाइम मेरे साथ रहे उनका मुझे अच्छा सहयोग मिला, अच्छी डायरेक्शन मिली और उनका गाइडेंस भी मिला कि दोनों चीज़ों का हमने उनका कॉम्बिनेशन कैसे रखना है, बैलेंस कैसे रखना है। सर, जैसा कि आप इस महीने रिटायर होने जा रहे हैं, हम आप सबसे यह जानना चाहेंगे कि आप रिटायरमेंट के बाद के आपके क्या प्लान्स हैं, क्या आपने आगे के लिए सोचा हुआ है? मेरे रिटायरमेंट के बाद में मैंने पहले से ही मेरी प्लानिंग की हुई है कि मैंने कभी घर पे बैठ कर नहीं रहना है, हमेशा अपने आप को मूवमेंट में रखना है, और इसके लिए मूवमेंट में रहने के लिए मैंने जो मेरी सूटेबल नौकरी कोई सेमी गवर्नमेंट किसी भी डिपार्टमेंट में मिलती हो तो मैं पहले अपनी नौकरी का मेरा फोकस है। अदरवाइज़ मैं LLB भी करने का मैंने विचार किया हुआ है, LLB में करूँगा। उसका मेरे को फ़ायदा ये हो मिलने की ज़्यादा संभावना है कि मैंने केसेस की इन्वेस्टिगेशन की है तो कोर्ट में केस को कैसे प्रेजेंटेशन देनी है, कैसे प्रेजेंट करना है, वकीलों को भी देखा है और एज ए इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर मैंने भी वो प्रेजेंट किया है, तो मेरे को ऐसा लगता है कि मैं इन फ्यूचर LLB करूं, एडवोकेट का काम करूं और अपने आप को फिट रख सकूं, अपने परिवार को फिट रख सकूं। सर, आखिरी सवाल हमारा आपसे ये रहेगा कि जो दिल्ली पुलिस में नए रिक्रूटीज़ हैं, जो नई पीढ़ी है, उसके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं इनके लिए सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ कि मेरे सेवानिवृत्ति के दिन में
आप लोगों के आप लोग शामिल हो रहे हैं उसके लिए धन्यवाद। और दिल्ली पुलिस परिवार के लिए भी ये कहना चाहता हूँ कि मैं इस पूरे पीरियड के दौरान मेरे ड्यूटी, मेरे स्वास्थ्य, मेरे जीवन को समर्थ बनाने के लिए आप सभी को मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। और सभी को मैं जो आज के नए जनरेशन की जो भर्ती होकर आ रहे हैं उनके लिए मेन मेरी तरफ से संदेश यही है कि वो अपना जो भी कार्य करते हैं अपनी मर्जी से ना करें। सीनियर अफसर के पास में जो भी प्लान्स होते हैं उनके अनुसार, उनकी डायरेक्शन के अनुसार, जैसा वो बतलाएं उनके उस अनुसार वो काम करें। अगर पुलिस स्टेशन में है या किसी कंप्लेंट में, सेल में है, विजिलेंस में है, जहाँ पे कंप्लेंट आती है और ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक डीलिंग का काम होता है, तो वो अच्छे से बात करें, किसी के साथ मिसबिहेव ना करें। और अफसरों के द्वारा जो भी डायरेक्शन होती है उनके पास में आउटपुट ज़्यादा होते हैं, पब्लिक के बारे में नॉलेज ज़्यादा होती है, उनके पास में इंफॉर्मेशन ज़्यादा आती है, तो वो अपनी मर्जी से कोई काम ना करे, जो भी काम है सीनियर अफसर की डायरेक्शन से करे। और जो इंफॉर्मेशन हमने नीचे के लेवल पे कलेक्ट की है वो अपनी इंफॉर्मेशन को तुरंत ऑफिसर्स के पास करे और अपने आप को इसको एक सेवा का माध्यम मान के चले और अपना ये पर्सनल बेनिफिट का साधन ना माने और अपने परिवार को, अपनी ड्यूटी को बैलेंस बना कर रखे। यही मेरा सुझाव है। इसी के साथ आपके रिटायरमेंट के बाद की सेकंड इनिंग्स के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। आपका स्वास्थ्य मंगल रहे। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद।